एकेडमी पर। आज हम यहाँ पर क्लास 10 की केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे भी। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की थी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भी वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल नेम क्या होता है भाई बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। फॉर्मूला जो है हम इसका लिखते हैं Na2CO3 × 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैंने सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो उतार सकते हैं। अब सवाल उठता है हाउ कैन वी प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दीज थ्री स्टेप। इन तीन स्टेप के द्वारा हम इसको प्रिपेयर करते हैं। आमतौर पर वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए हम साल्वे अमोनिया प्रोसेस यूज करते हैं। प्रोफेसर साल्वे ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको साल्वे अमोनिया प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बच्चे बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में कि वो कौन से तीन स्टेप हैं जिसके द्वारा आप जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए चार रो मटेरियल चाहिए भी, पानी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये चार रिएजेंट यानी रो मटेरियल के रूप में, इनिशियल प्रोडक्ट के रूप में हमें ये चार चाहिए। अब करना कैसे है, हमने ऐसे करना है बच्चे, पहले हमने नमक की गर्दन पकड़ी, पानी में छोड़ दिया, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉल्व NaCl इनटू वाटर एंड मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो नमक का पानी के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो पहले आपने जो है वो नमक की गर्दन पकड़ी, पानी में डिसॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की गर्दन पकड़ी और उसको फिर पानी में डिसॉल्व कर दिया। देखो, पहले नमक को पानी में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया। एट द लास्ट अमोनिया की गर्दन पकड़ी, उसको भी उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। पहले पानी लिया, पानी में नमक घोला, नमक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद फिर जो है अमोनिया, चारों को मिक्स कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया पानी के अंदर। यू विल गेट टू कंपाउंड, आपके पास दो कंपाउंड बन जाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये दो कंपाउंड आपके पास आ जाते हैं। इनमें से अमोनियम क्लोराइड सोल्युबल होता है और ये फेयरली सोल्युबल है, सो इजीली प्रेसिपिटेटेड आउट। तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में आपने देखा होगा तीर का निशान मैंने नीचे की तरफ किया है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट हो जाना। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में किसी कंपाउंड के ऊपर तीर का निशान नीचे की तरफ मिल जाए, इसका मतलब वो जो है प्रेसिपिटेट हो गया, नीचे बैठ गया। यहां से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिला उसको पकड़ के हम यहाँ ले आए और उसको जो है हीट करना शुरू किया, गर्म किया। आफ्टर हीटिंग इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट। इसने डिकम्पोज होके आपको सोडियम कार्बोनेट प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको फिर से हमने पानी में डिसॉल्व किया एंड गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपको इसके प्रेसिपिटेट मिल गए, ये प्रेसिपिटेट आपके पास आ गए।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के प्रेसिपिटेट आपके पास आ जाते हैं। इस तरह से आप वाशिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। सिंपल शब्दों में याद रखना है बस, और कुछ नहीं, सीरियल वाइज ये काम करते जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भाई ध्यान रखना, आप जब प्रॉपर्टीज करो ना, पहले और ग्रुप दूसरे ग्रुप के जो लगभग कंपाउंड होते हैं उसमें एक चीज तो जरूरी है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चीज, ये प्रॉपर्टी तो आप लिखी दो कि ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आम तौर पर सोलुबल भी होंगे वी वॉटर के अंदर, तो इट इज सोलुबल इन वॉटर। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनाएगा। इसका मतलब इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा और ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर चेंज कर देगा। अपॉन हीटिंग इट गेट डिहाइड्रेट, अगर आप इसको गर्म करेंगे भाई, Na2CO3 into 10H2O, इसको अगर हमने गर्म कर दिया तो ये भाग जाएंगे। घर में जब आग लगती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो ये जो है आपका सबसे पहले निकलेगा और Na2CO3 plus 10H2O ये एनहाइड्रस हो जाएगा। इस एनहाइड्रस को बोलते हैं हमें सोडा एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सोडा एसिड बोलते हैं। आप लोगों ने ध्यान से नोट किया होगा बच्चे, जो हमारे बुजुर्ग थे भी, दादा परदादा जो थे, वो जो है राख से अपने हाथों को साफ करते थे। अब वो राख जो है उसमें कुछ अमाउंट में सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट होता है, विच हैव डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज और क्लिंजिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए वो राख से जो हाथों को साफ किया करते थे। इट हैव प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट ग्रीस फ्रॉम द क्लोथ, ये जो है कपड़ों से डर्ट और ग्रीस को साफ करने की प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस की। इट इज यूज टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल को प्रिपेयर करने के लिए बच्चे हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले जो है ग्लास, सोप, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, इन केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए इसको आमतौर पर यूज किया जाता है। इट इज यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट, सफाई के एजेंट के रूप में इसको हमें यूज करते हैं। ये लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है बच्चे? लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज होता है। तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का आपको दो फायदे हैं, एक तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल की, कि भी आप अपनी क्लास की वीडियो वहां पर देख सकते हैं, वो आपको सेपरेट मिलेंगी क्लास 10 की प्लेलिस्ट के अंदर, आपकी सभी केमिस्ट्री की वीडियो एक साथ वहां पर आपको मिलेंगी। दूसरा बेनिफिट ये है, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका लिंक आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा भी, यानी आपके पास वो वीडियो अपने आप पहुंच जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बार को दबा लेते। आपकी इच्छा है भी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें।